Hello, my dear children, how are you all? I hope you are hale and hearty. And today we will discuss lesson number 11 in your books Behive. And the title of the lesson, or I can say the title of the play, is If I Were You. It is written by or the playwright is Douglas James. And this is a very interesting play. This play is full of mystery, full of suspense. फुल ऑफ़ सरप्राइज एंड फुल ऑफ़ यूमर बच्चों बहुत ही बढ़िया ये नाटक है प्ले है जो आज हम पढ़ेंगे यह फुल ऑफ़ मिस्ट्री रहस्य से भरा हुआ सस्पेंस थ्रिल से भरा हुआ आश्चर्यचकित कर देने वाली कई चीज़ें हैं और हाँ यूमरस भी है बड़ा ही मज़ा आने वाला है आज आपको इस प्ले में तो चलिए शुरू करते हैं इफ़ आई वर यू विद मी पूजा शर्मा लेक्चरर इन इंग्लिश एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा बच्चों सबसे पहले प्ले राइट की बात करते हैं और प्ले की बात करते हैं प्ले क्या होता है नाटक जैसे आपने जब दशहरा होने वाला हो तो रामलीला का नाटक देखा होगा बच्चे कोई राम बन जाता है कोई लक्ष्मण बन जाता है इस तरह से करेक्टर्स बन जाते हैं बच्चों और वो डायलॉग बोलते हैं डायलॉग संवाद उनके अलग अलग लाइंस होती हैं जो उन्हें परफॉर्म करनी होती हैं स्टेज के ऊपर तो ये प्ले हमारे भी इंग्लिश में हर बुक के अंदर नाइन्थ टेंथ इलेवंथ ट्वेल्थ आप एक प्ले एक नाटक जरूर पढ़ेंगे नाटक वो होते हैं बच्चों जिन्हें आप स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं आपको वो डायलॉग याद कर करने होते हैं और वो जो दे रखा होता है कि उसको अभिनय कैसे किया जाए एक्टिंग कैसे की जाए तो उस तरह से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं और जो प्ले को लिखता है बच्चों वो कह है प्ले राइट स्पेलिंग पर ध्यान दें पी एल ए वाई डब्ल्यू आर आई जी एस टी तो इस प्ले के प्ले राइट हैं जेम्स आप देख पा रहे हैं ब्रिटिश प्ले राइट और बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्होंने ये प्ले लिखा है इफ आई यू इफ आई वर यू टाइटल क्या मतलब हुआ बच्चों इफ आई यू इसका मतलब हुआ यदि मैं तुम होता या यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो बच्चों इस नाटक के अंदर इस प्ले के अंदर वी हैव टू करैक्टर्स दो ही करैक्टर्स हैं दोनों करैक्टर्स के चारों ओर ये नाटक घूम रहा है छोटा सा प्ले है बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है हमारा मेन करेक्टर आपकी आंखों के सामने है इनका नाम है जेरार्ड तो ये है बच्चों हमारे मेन करेक्टर इनके बारे में आपको प्ले में बताया जाएगा ये किस तरह से दिख रहे हैं किस तरह से कितनी एज है इनकी हाइट कितनी है सब कुछ तो हमारे पहले करेक्टर हैं जेरा और बच्चों ये है दूसरे करेक्टर यह है इंट्रूडर इनका नाम इंट्रूडर नहीं है इंट्रूडर एक वर्ड होता होता है है बच्चों जिसका मतलब वन एंटर्स जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं घुसपैठिया तो बच्चों जेरार्ड के घर में एक घुसपैठिया एक इंट्रूडर रिवॉल्वर लेकर आप देख पा रहे हैं हाथ में रिवॉल्वर है घुस जाता है उसका खून करने के लिए तो क्या होता है क्या वो जेराड के घर में घुस पाता है घुस पाता है तो क्या खून कर देता है तो सारे के सारे आपको क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा प्ले के अंदर सो वी हैव ओनली टू करेक्टर्स द वन इज जेराड एंड द सेकेंड वन इज एन इंट्रूडर एक घुसपैठिया उसका नाम कोई भी नहीं दिया हुआ है बच्चों जेराड का पूरा नाम जरूर याद करें मैं शुरू में बताऊंगी प्ले में बीच में आएगा विंसेंट चार्ल्स जेराड ये है बच्चों इनका पूरा नाम तो इसको आप जरूर जरूर याद करें क्योंकि एक नंबर में पूछा जाता है इनका पूरा नाम विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड जब आएगा तब मैं आपको बता भी दूंगी कि आप उसको मार्क करके उसको जरूर लर्न करें तो चलिए शुरू करते हैं ये मिस्टीरियस ह्यूमरस इंटरेस्टिंग प्ले फुल ऑफ सस्पेंस एंड सरप्राइज फुलरार्ड लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज जो हमारा मेन कैरेक्टर है बच्चों जेरार्ड वो अकेला रहता है अलोन रहता है लोनली कॉटेज में लोनली मीन्स सॉलिटेरी अकेला कॉटेज कॉटेज मीन्स अ स्मॉल बंगलो एन इंट्रूडर हु इज अ क्रिमिनल एंटर्स हिज कॉटेज तो एक दिन क्या होता है बच्चों एक इंट्रूडर वन हु एंटर्स फॉर्सिबली एक घुसपैठिया उसके घर के अंदर उसके कॉटेज के अंदर घुस आता है और वह इंट्रूडर है कौन असल में एक क्रिमिनल है अपराधी है वन हु कमिट्स क्राइम ही इंटेंट्स टू मदर जेरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी उसका बच्चों क्या मंतव्य है अंदर घुसने का क्या उद्देश्य है तो वो मर्डर करना चाहता है खून करना चाहता है जेराड का। एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी खून क्यों करना चाहता है कि वो उसको मारकर उसकी आइडेंटिटी उसकी पहचान उसका वेश उसका रूप ले लेगा डज ही सक्सीड क्या वो सक्सीड सक्सेस प्राप्त करता है अपने इस मर्डर के प्लान के अंदर वो हमें पता चलेगा प्ले के अंदर बच्चों जब भी हम कोई भी प्ले पढ़ते हैं ना तो हमें सीन दिया जाता है दृश्य कि स्टेज पर कैसा दृश्य होना चाहिए इस नाटक को परफॉर्म करने के लिए तो यहाँ पर सीन की बात करते हैं पहले अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर एक छोटा सा बंगलो है उसका इनर पार्ट है यानी कि घर के अंदर का बात अंदर की बात है देर इज एन एंट्रेंस बैक राइड पीछे की तरफ एक एंट्रेंस है आने के जगह विच मे बी कर्टेन जहाँ पर पर्दा लगा हुआ है अनदर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ प्रैक्टिकल डोर लेफ्ट साइड में एक दरवाजा है जो व्यवहारिक दरवाजा है द फर्नीचर इज सिंपल सिंपल सा फर्नीचर रखा है बच्चों घर के अंदर कंसिस्टिंग ऑफ अ स्मॉल टेबल क्या क्या है उसमें छोटे से टेबल टूअर्ड्स अफ्ट लेफ्ट लेफ्ट साइड में अ चेयर और टू एक या दो चेयर एंड अ दीवान दीवान आपको पता ही है आधे बेड को हम दीवान कहते हैं वो रखा है अ काइंड ऑफ बेड आप कह सकते हैं राधर अप स्टेज ऑन द राइट ऑन द फार साइड ऑफ द स्टेज रखा है पीछे के भाग में राइट साइड में रखा है वो दीवान ऑन द टेबल इज अ टेलीफोन और टेबल के ऊपर रखा है बच्चों एक टेलीफोन पुराने जमाने में जो होते थे ना तार वाले वही टेलीफोन है बच्चों यहाँ पर मोबाइल नहीं है द द जेराड इज स्टैंडिंग बाय टेबल मेकिंग अ फोन कॉल जैसे ही पर्दा उठता है नाटक का शुरू होता है नाटक जेराड हमें दिखाई देता है दृश्य के अंदर और वो खड़ा है बच्चों टेबल पर एक फोन कॉल कर रहा है उस टेलीफोन से ही इज ऑफ मीडियम हाइट उसकी हाइट बच्चों मीडियम है ना ज्यादा छोटा है ना लंबा है एंड वियरिंग होन रिम्ड ग्लासेस उसने बच्चों रिम्ड होता है फ्रेम ग्लासेज चश्मा किस फ्रेम का चश्मा पहन रखा है हॉन के हॉन होता है सिंग मैं आपको दिखाऊंगी कैसा होता है लियो मैं दिखाई देती हूँ बच्चों आपको ये देखिए आप हॉर्न रिम्ड ग्लासेस उसने पहन रखे हैं ही इज ड्रेस्ड इन अ लॉन्ज सूट लॉन्ज सूट क्या होता है बच्चों हैवी सूट ये देखिए ये होता है लॉन्ज सूट इस तरह का उसने सूट पहन रखा है एंड ग्रेट कोट और उसके ऊपर ओवर कोट पहन रखा है जो घुटनों तक का होता है हिज वॉइस इज कल्चर्ड कल्चर्ड मीन्स रिफाइंड पढ़ा लिखा सभ्य आदमी है जेराड तो हमारे मेन करेक्टर से हम मिल चुके हैं और वो कर रहा है बच्चों एक फोन कॉल तो देखते हैं फोन कॉल पे वो बात किससे करता है और क्या करता है जेराड कहता है वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली उसे कहो कि वो मुझे डायरेक्टली फ़ोन करे आई मस्ट नो मुझे पता होना चाहिए येस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हियर बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट मुझे लगता है मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुकूंगा लेकिन तुम्हें मुझ पर काउंट ऑन डिपेंड नहीं करना चाहिए इन अबाउट टेन मिनट्स टाइम दस मिनट के समय में राइट हो गुड बाय ठीक है गुड बाय तो ये बच्चों जयराड फोन पर बात कर रहा है अब वो कर ही रहा था देखिए ब्रैकेट में फिर से कुछ लाइन्स आ गई हैं ही पुट्स टाउन द फोन एंड गोज टू दीवान ऑन द लेफ्ट अब वो फ़ोन रख देता है बच्चों और दीवान है जहाँ पर वहाँ पर चला जाता है लेफ्ट में वेर देर इज़ ए ट्रैवलिंग बैग एक सूट के हिस्सा रखा है ट्रैवलिंग बैग जिसमें एंड स्टार्ट पैकिंग उसमें कुछ पैकिंग कर रहा है हमारा जेरार्ड वाइज ही इज दस इंगेज अनदर मैन सिमिलर इन बिल्ड टू जेराइट साइलेंटली बच्चों जब वो इंगेज है यानी कि बिजी है सामान की पैकिंग कर रहा है एक ट्रेवलिंग बैग के अंदर एक और आदमी जो लगभग जेराड के जैसा ही हट्टा कट्टा है उसकी जितनी हाइट का है वो राइट से चुपचाप एंटर करता है रिवॉल्वर इन हैंड और उसके हाथ में है एक रिवॉल्वर ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवर कोट एन अ सॉफ्ट हैड बच्चों उसने ना तड़क भड़क वाले फ्लैशली मीन्स भड़कीले से गॉडी से कपड़े पहन रखे हैं ओवरकोट पहन रखा है और एक हैट पहन रखी है ही बम्प एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल और जब वो चुपचाप आ रहा है अचानक वो बम्प करता है स्ट्राइक करता है टकराता है बाय चांस एक्सीडेंटली मीन्स बाय चांस टेबल से एंड एट द साउंड जेराड्स टर्नस क्विकली और जैसे उस टेबल से उसकी टकराने की आवाज़ आती है जेराड मुड़ कर देखता है तुरंत आखिर मेरे घर में कौन आ गया वो तो अकेला रहता है एक लोनली सॉलिट्री कॉटेज के अंदर तो देखो बच्चों इंट्रूडर आ गया है और उसके हाथ में है रिवॉल्वर और इस तरह से कुछ सीन है बच्चों देखिए जेरार्ड तो पैकिंग कर रहा है ट्रैवलिंग बैग के अंदर और उधर से आ गया है इंट्रूडर उसने हेड पहन रखी है ओवर कोट पहन रखा है जेरार्ड कहता है प्लेजेंटली खुशी से कहता है जेरार्ड व्हाई दिस इज सरप्राइज अरे आपने तो मुझे सरप्राइज दे दिया मिस्टर अब मिस्टर के बाद वो रुक जाता है उसको नाम नहीं पता कौन आया है इंट्रूडर कहता है आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग पुट डोस पॉज अप अब वो कहता है मैं बड़ा खुश हूँ ग्लैड हूँ हैप्पी हूं कि तुम मुझे देखकर प्लीज हो हैप्पी हो लेकिन ये जो तुम्हारी खुशी है ना ज्यादा देर तक नहीं रुकने वाली पुट डोस पॉज अप पो क्या हो पोज का मतलब मतलब तो यहाँ पर हैंड्स हैं तो रेज योर हैंड्स रिवॉल्वर उसके हाथ में हाथ ऊपर करो कहता है इंट्रूडर जेरार्ड दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक नॉट वेरी ओरिजिनल पर हैप्स बट अरे ये तो बड़ा मेलोड्रामेटिक नाटकीय सीन हो गया सेंसेशनल सीन हो गया लगता नहीं ये सच है लेकिन शायद लेकिन इंट्रोडो कहता है ट्राइंग टू बी काम शांत रहने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि बच्चों एक आदमी जो तुम्हारे सामने रिवॉल्वर लेकर खड़ा है तुम्हारे ऊपर ताने खड़ा है उससे आप इतनी शांति से बात नहीं कर सकते जितनी शांति से जेराड बात कर रहा है अब जेराड कहता है नॉन शैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक नॉन शैलेंट क्या होता है बच्चों बेपरवाह केयरलेस मैनर तुम्हारा वर्ड है केयरलेस मैनर इंटूडर कहता है थैंक्स अलॉट यू विल बी सोन स्टॉप बींग स्मार्ट धन्यवाद मुझे वर्ड बताने के लिए लेकिन तुम जितना स्मार्टली बिहेव कर रहे हो ना ज़्यादा देर तक इतना स्मार्ट इतना चलाक नहीं रहोगे आई विल मेक यू क्रॉल मैं तुम्हें रेंगा दूंगा जमीन के ऊपर आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स सी लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बातें जाननी है कुछ बातें मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ इंट्रूडर ने कहा जराड कहता है एनी थिंग यू लाइक आई नो ऑल द आंसर्स कुछ भी पूछ लो मुझे तो सारे उत्तर पता है बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन टे बट आई एम नॉट अब बच्चों से, से बिहेव कर रहा है कहता है लेकिन शुरुआत करने से पहले मुझसे क्वेश्चन पूछने से पहले मैं अपनी जगह बदलूंगा कंफर्टेबल हो आराम से खड़े हो मैं आराम से नहीं खड़ा हूँ तो मुझे अपनी जगह बदलनी है, है बैठ जाओ एंड नो फनी बिजनेस और मजाक करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है डोंट ट्राई टू बी यूमरस मोशन टू अ चेयर अब बच्चों वो मोशन मीन जैसे चेयर के एन सीट हिमसेल्स ऑन दीवान बाय द बैग और फिर अपने आप दीवान के

हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाय जिपसीज़ जैसे मैं एक बच्चा था ना तब मुझे चुरा लिया था जिप्सीज ने बटो जिप्सीज़ क्या होता है नोमेड्स खाना बदोश्त लोग जो इधर उधर घूमते रहते हैं जिनके कोई रियल घर एक जगह नहीं होते हैं जो घूमते रहते हैं वो होते हैं जिप्सीज़ एंड वाई एट द एज ऑफ थर्टी टू आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एस एक्स कॉटेज हाउ अब बच्चों रुक गया है वो कहता है और जैसे मैं बत्तीस साल का हूँ और अकेला रहता हूँ मेरे एस एक्स कॉटेज के अंदर और कैसे अब बच्चों इंट्रूडर ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया बोला कीप इट टू योर सेल्फ ये अपनी बातें ना अपने पास रखो जस्ट सम माई क्वेश्चन मैं जो पूछूँ केवल उसका उत्तर दो यू लिव योन वेल डू यू तुम यहाँ पर अकेले रहते हो रहते हो क्या जेराट कहता है आई एम सॉरी मुझे क्षमा करें आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी लेकिन मुझे लग नहीं रहा आप मुझसे पूछ रहे हैं मुझे लग रहा है आप मुझे बता रहे हैं अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेक्शन मीन्स चेंज ऑफ वॉइस योर वॉइस इज अनफेमिलियर आपकी वॉइस ना परिचित नहीं है आप ऐसे पूछ रहे हो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे क्वेश्चन मार्क नहीं लग रहा लग रहा है कि आप मुझे बता रहे हो तो लग ही नहीं रहा कि आप मुझसे पूछ रहे हो अब इन इंट्रूटर बच्चों एम्फोसिस के साथ स्ट्रेस के साथ कहता है डू यू लिव हियर अलोन क्या तुम यहां पर अकेले रहते हो और बच्चों जवाब देता है एन आई डोंट आंसर आंसर और अगर मैं ना करूँ तो इंट्रूडर कहता है यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू टू गेट हर्ट तुम इतने समझदार हो तुम घायल नहीं होना चाहोगे हर्ट नहीं होना चाहोगे अगर तुम उत्तर नहीं दोगे तो ऑब्वियसली आई विल हर्ट यू कहता है आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन द एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इन द मेयर डिजायर टू डू सो वट डू यू थिंक मिस्टर अब कहता है समझदारी दर से बचने में ही है ना केवल ऐसी मात्र इच्छा करने में क्या कहते हो मिस्टर अब वो बच्चों नाम पूछना चाह रहा है जेरार्ड इंट्रूडर का इंट्रूडर कहता है नेवर माइंड नेम मेरे नाम की चिंता मत करो आई लाइक योर्स बेटर मुझे तो तुम्हारा पसंद है मिस्टर जेरार्ड वट आर यू वट आर योर क्रिश्चियन नेम तुम्हारा शुरू का नाम क्या है बच्चों आ गया है एक वर्ड का एक नंबर का क्वेश्चन पूरा नाम विंसिट ये देखिए ये रहा विंसिट चार्ल्स जेरार्ड तो पूरा नाम क्या होगा विंसिट चार्ल्स जेरार्ड इंट्रोव्यूर कहता है डू यू रन अ कार तुम कार चलाते हो नो no. अब बच्चों गुस्सा आता है इंट्रोडर को कहता है दैट्स अ झूठ मत बोलो यू आर नॉट डीलिंग विद अ फूल तुम एक मूर्ख से बात नहीं कर रहे हो आई एम एज स्मार्ट एज यू एज स्मार्टर मैं तुम्हारे जितना ही चलाकूँ तुमसे भी ज्यादा स्मार्ट हूँ एंड आई नो यू रन अ कार और मुझे पता है तुम कार चलाते हो बेटर बी केयरफुल वाइज गाय ज़्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करो केयरफुल रहो जो पूछा जाए उसका सही सही उत्तर दो अब बच्चों जयराड कहता है आर यू अमेरिकन और इज दैट देट अ क्लेवर इमिटेशन क्या तुम अमेरिकन हो या फिर ये बहुत बढ़िया तुम इमिटेशन कर रहे हो नकल कर रहे हो अमेरिकन लैंग्वेज की एक्सेंट की बच्चों ये ब्रिटेन की कहानी है इंग्लैंड की कहानी है ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ब्रिटिश प्लेराइटी लिखी है और वो जो इंट्रोडर है ना उसका बात करने का तरीका ब्रिटिश इंग्लिश वाला नहीं है अमेरिकन इंग्लिश वाला है एक्सेंट उसका अमेरिकन है इसलिए जेराड पूछ रहा है कि तुम अमेरिकन हो या केवल तुम नकल कर रहे हो अमेरिकन एक्सेंट की इंट्रोडर कहता है लिसन दिस गन्स नॉट वाई सुन रहे हो ये गन है ना ये कोई खिलौना नहीं है आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू एंड स्टिल गेट माई आंसर्स मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा तुम्हें मारूंगा नहीं और फिर भी मुझे मेरे सारे उत्तर मिल जाएंगे अब कहता है ऑफ कोर्स इफ यू पुट इट लाइक दैट आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू ठीक है ठीक है तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा मैं बताऊंगा तुम्हें सारे आंसर्स आई डू पॉजेस अ कार मेरे पास एक कार है एंड इट्स इन द गैराज राउंड द कॉर्नर और ये गैराज में खड़ी है यहीं पर इंट्रोर कहता है दैट्स बैटर डू पीपल ऑफन कम आउट हीयर ठीक है अब तुम सही बता रहे हो ये बताओ लोग आमतौर पर तुमसे मिलने आते हैं जैराट कहता है वेरी रेयरली बहुत कम आते हैं सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी बहुत ही कम पीपल हैं जो मुझसे मिलने आते हैं देर इज अ बेकर एक बेकर आता है जो बेक करता है ब्रेड वगैरह बनाता है एंड द ग्रीन ग्रॉसर वेजिटेबल सेलर होता है बच्चों ग्रीन ग्रॉसर सब्जी बेचने वाला आता है एंड ऑफकोर्स देन देर इज अ मिल्क मैन एक दूध वाला आता है क्वाइट चार्मिंग वो तो बहुत अच्छा आदमी है अट्रैक्टिव सा बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर लेकिन तुम्हारे जितना रुचिकर इंटरेस्टिंग आदमी तो मेरे घर में आज तक भी नहीं आया जितने तुम हो इंट्रोर कहता है आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्स पीपल मुझे ये पता चला है कि तुम ट्रेड्स पीपल को नहीं देखते ट्रेड्स पीपल मीन्स बिजनेस पीपल व्यापार वाले लोगों में नहीं देखे जाते वो तुमसे नहीं मिलते तुम उनसे नहीं मिलते जयराड कहता है यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल तुमने मेरे बारे में जानने के लिए कंसिडरेबल अलॉट ऑफ हो मेरे बारे में इतना जानते हो तो अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे यू हैव बीन सो modest, तुम इतने हम्बल हो विनम्र हो बताओ कुछ अपने बारे में जेराट जानना चाहता है आखिर वो इंट्रोडर यहाँ पर क्यों आया है और उसका क्या उद्देश्य है इसलिए वो बार बार पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है क्यों आए हो इंट्रोड्यू कहता है आई कुड टेल यू प्लेंटी मैं तुम्हें बढ़िया से बताऊंगा विस्तार से यू थिंक यू आर स्मार्ट बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर तुम सोचते हो कि तुम स्मार्ट हो लेकिन यहाँ पर जितने भी स्मार्ट लोग हैं ना उनसे मैं स्मार्टेस्ट हूँ सबसे स्मार्ट मैं हूँ आई हैव गॉट ब्रेन्स मेरे पास दिमाग है एंड आई यूज देम और मैं उस दिमाग को यूज करता हूँ दैट्स हाउ आई हैव गॉट वे आई हैव और इस तरह से मैं यहाँ पर आ गया हूँ जहां पर मुझे आना चाहिए था जिराड कहता है

तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे और वो अच्छा वाला आश्चर्य नहीं होगा वो होगा शौक तुम्हारे लिए जेराड कहता है विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय द वे वट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्प्रेस और आर एन टी स्पेशलिस्ट अब कहता है कि तुम्हारी अपीरियंस ही बता रही है मैं समझ पा रहा हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो तुम्हारा मोटिव कोई अच्छा नहीं है तुम हाथ में रिवॉल्वर लेकर आए हो लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम किस क्राइम को एम्प्रेस करते हो तुम्हारा मेन जो क्राइम है क्राइम का मतलब क्या क्राइम है तुम्हारा तुम क्या करते हो किस चीज़ के क्रिमिनल हो तुम कौन सा तुमने क्राइम अडॉप्ट कर रखा है अपना रखा है या फिर तुम किसी पर्टिकुलर क्राइम में विशेषज्ञ हो अब इंट्रोड कहता है माय स्पेशलिटी इज ज्वेल रोबरी ज्वेल बच्चों हीरे जवरात अब वो कहता है मैं रॉबरी करता हूँ डकैती करता हूँ हीरे जवाहरा की योर कार विल डू मी अ ट्रीट और तुम्हारे कार मुझे इस काम में बहुत काम आएगी इट्स सर्टेनली अ डेंडी बस वो तो सच में एक डेंडी एक्सीलेंट बस है तुम्हारी कार अब बच्चों जेराड कहता है अहो oh, मुझे डर है तुम गलत जगह गए फार अवे इन एसेक्स इस जगह पर जहां पर तुम आ गए ना यहां पर ज्वेलरी नहीं है यहां पर हीरे जवारा ज्यादा नहीं है इंट्रोड कहता है सो आर तो द कॉप्स इसलिए यहाँ पर कॉप्स भी ज्यादा नहीं है कॉप्स कौन होते हैं बच्चों पुलिस मैन को बोलते हैं कॉप सी ओ पी कॉप लिटल वाइल्ड मैं यहाँ पर आराम से रिटायर हो सकता हूँ यहाँ पर पुलिस वाले भी नहीं है जेराट कहता है यू मीन टू लिव विद मी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो आर ट्राई फोर सडन इजेंट इट यू हैव नॉट बिन इन्वाइटेड अरे ऐसी प्रॉब्लम में मुझे मत डालो मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया मेरे साथ रहने के लिए एंट्रूडर कहता है यू वॉन्ट बी है लॉन्ग सो आई डिट ट्रबल टू आस्क तुम यहाँ पर ज्यादा समय तक नहीं रहोगे इसलिए मैंने पूछने का कष्ट नहीं किया तुमसे जेराड वट डू यू मीन क्या मतलब है तुम्हारा मैं ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रहूंगा इंट्रूडर कहता है दिस इज योर बिग सरप्राइज आई एम गोइंग टू किल यू तो यह है तुम्हारा ब... सरप्राइज जेराड मैं तुम्हें मारने वाला हूँ तुम्हारा मर्डर करने वाला हूँ आई एम गोइंग टू किल यू जेराड कहता है अ लिटिल हार्श इज इट अरे तुम तो बड़ी क्रूअल बात कर रहे हो क्रूरता की है ना इन विद हैवी सारकाजम सारकाजम मीन्स हंसते हुए सटायर करते हुए या आई विल बी सॉरी टू डू इट आई टेक एम फैंसी टू यू बट इट्स जस्ट कॉट टू बी डन ओहो मुझे माफ़ करना जेराड मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग यू फैंसी मीन्स लाइक बट क्या करूँ मुझे करना ही पड़ेगा तुम्हारा कत्ल जेराड कहता है वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टेकिंग अरे अपने और क्राइम के अंदर अपने और जो जुर्म है उनके अंदर एक मर्डर को क्यों ऐड कर रहे हो ये तो बड़ा ग्रेव स्टेप है बड़ा सीरियस स्टेप है जो तुम लेने जा रहे हो मेरा मर्डर करके इंटुरर कहता है आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन आई हैव बीन हंटेड फॉर लॉन्ग आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस अब मैं मजाक के लिए तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर रहा आई हैव बिन हंटेड लॉन्ग इनफ मेरा पीछा किया जा रहा है हंटेड मीन्स चेज्ड मुझे फॉलो किया जा रहा है और मैं पहले ही मर्डर के लिए मेरे को लोग मांग रहे हैं पुलिस वाले मैंने मर्डर कर रखा है ऑलरेडी और मुझे पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं उसके लिए और एक करूँ दो करूँ या दस करूँ वो मुझे दो बार तो फूली पर लटकाने वाले नहीं एक ही बार लटकाएंगे ना चाहे मैं कितने ही मर्डर कर लूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं ऑलरेडी मर्डर के लिए वॉन्टेड हूँ जेरा कहता है यू आर प्लानिंग अ अटू टू अस डबल सो टू स्पीक एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लूज बट वॉट हैव यू टू गेन अब कह रहे हो तुम जो तो प्लान कर रहे हो ना विदाउट गुड रीज़न कर रहे हो दोहरी भूमिका निभ निभा रहे हो लेकिन तुम्हारे लिए एक खोने को क्या है लेकिन तुम्हें मिल क्या जाएगा गेन क्या होगा मेरा मर्डर करने के बाद इंटरव्यू कहता है आईव गॉट फ्रीडम टू गेन मुझे आज़ादी मिलेगी एज ओ माई सेल्फ आई एम पुअर हंटेड ब्रेड मैं एक चूहा हूँ जिसे बहुत ज़्यादा खोजा जा रहा है पीछा किया जा रहा है एज विंसेट चार्ल्स जेराड, आई एम फ्री टू गो प्लेसेज मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा रूप ले लूँगा तुम खत्म हो जाओगे तुम्हारी जगह मैं बन जाऊंगा विंसेट चार्ल्स जेरा और मैं फ्री होऊँगा मैं कहीं भी घूमूंगा कुछ भी करूँगा मुझे कोई ढूंढने वाला नहीं आई कैन ईट वेल मैं अच्छा खाना खाऊंगा स्लीप वेल अच्छे से सौऊंगा एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ अ कोट कॉप और मुझे पुलिस वाला अगर देख भी लेगा या मैं पुलिस वाले को देख लूंगा तो मुझे डरने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं मैं नहीं रहूँगा मैं बन जाऊंगा विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड अब बच्चों और जेरार्ड कहता है इन मोस्ट मेलोड्रामाजन इज फुलिश इनफू डिले हिस्स किलिंग लॉन्ग इनफ टू ब्रस्ट्रेटेड यू आर मश लकअर अब बच्चों वो कहता है ध्यान से सुने इस ना को बहुत अच्छी बात है आपने कोई भी फिल्म देखी होगी लास्ट में जब हीरो को पकड़ लिया जाता है ना विलेन के द्वारा विलेन क्या होता है बच्चों खलनायक जो नेगेटिव रोल निभाता है बैड करेक्टर होता है किसी भी स्टोरी का वो होता है विलेन खलनायक तो वो लास्ट में ना काफ़ी लंबा लटका देता है उसको बांध देगा मारूंगा मारूंगा बातें करने लग जाएगा और फिर कोई ना कोई आएगा हीरो की हेल्प करेगा हीरो बच जाएगा तो कहता है कि तुम ना अधिकतर जो मेलो होते हैं सेंसेशनल ड्रामाज होते हैं उसमें विलन जो होता है ना वो मूर्ख होता है है कि वो हीरो की किलिंग को लेट कर देता है और वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है लेकिन तुम लकी हो तुम भाग्यशाली हो कि तुमने मेरी किलिंग को लेट कर दिया आप क्यों भाग्यशाली है बच्चों आगे पता चलेगा इंट्रूडर कहता है आई एम ओके आई एव गोट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग मैं ठीक हूँ मेरे पास हर किसी काम का एक रीज़न है आई एम गोइंग टू बी विंसेड चार्ल्स जेरार्ड सी मैं अब बनने जा रहा हूँ विंसेड चार्ल्स जेरार्ड आई एव गॉट टू नो वॉट ही टॉक्स लाइक मुझे पता होना चाहिए था वो कैसे बात करता है नाव आई नो अब मुझे पता है तुम कैसे बात करते हो दैट पॉश स्टफ कम्स ईजी तुम पॉश कल्चर्ड आए थे ना बेटा शुरू में कि भी कल्चर्ड तरीके से वो बात करता हूँ वो पोश मींस बिलोंगिंग टू अपर क्लास तुम पोश तरीके से बात कर रहे हो कल्चर्ड तरीके से बात कर रहे हो ये तो आसानी से मैं सीख लूंगा दिस इज मिस्टर वी सी जेरार स्पीकिंग पेंटामाइम ऑफ फोनिंग अब बच्चों वो साइलेंट इमिटेशन कर रहा है उसको फोन पे बात करने की इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस और उसी की तरह सभ्य आवाज में बात कर रहा है जैसे जेराड करता है एंड दैट्स नॉट ऑल ही स्टैंड अप और फिर उठता है गेट अप अ मिनट खड़े हो जाओ जेरार्ड स्टेंस खड़ा हो जाता है जेराड नाउ टेक अ लुक एट मी मेरी तरफ देखो जेराड कहता है यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव इतने सुंदर भी नहीं हो जो तो मैं तुम्हें देखूं अब इंट्रो कहता है नो वेल दैट गोज फॉर यू टू तुम भी इतने सुंदर नहीं हो आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स मैं तुम्हारी तरह ही दिखता हूँ मुझे बस स्पेक्स चश्मे पहनने की जरूरत है एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट और फिर मैं इन सब चीज़ों से निकल जाऊंगा मैं बन जाऊंगा वी सी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के वाले चश्मे पहनने के बाद जेराट कहता है वट अबाउट योर क्लोज तुम्हारे कपड़ों को क्या होगा दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल अगर तुम समझदारी नहीं दिखाओगे तो तुम पकड़े जाओगे तुम्हारे कपड़ों की वजह से इंट्रोअर कहता है दैट विल बी ऑल राइट योर्स विल फिट मी फाइन अरे ये तो कोई बात ही नहीं है तुम्हारे कपड़े मेरे बिल्कुल ठीक आएंगे मैं तुम्हारे जितना ही हूँ तुम्हारा ही जितना हाइट है मेरी तुम्हारे जितना ही वजन वगैरह है मेरा अब जेराट कहता है दिस इज दैट इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग बड़ी रोचक बातें कर रहे हो तुम बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क लेकिन मैंने अभी अभी तुम्हारे को कुछ कहा था तुम्हारी प्रेज की थी तुम्हारी प्रेज करने के लिए प्रेज नहीं की थी आई सेट यू वर लकियर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलन्स मैंने कहा था तुम भाग्यशाली हो आमतौर पर जो मेलोड्रामेटिक विलन्स होते हैं उनसे इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू यूर इंटेलिजेंस तुम्हारी बुद्धि को मेरी श्रद्धांजलि नहीं थी वो यू वॉन्ट किल मी फॉर अ गुड रीजन तुम मुझे नहीं मारोगे अगर तुम पता लगा लोगे कि मैं तुम्हें क्या कहना चाहता हूँ सो दैट्स वॉट यू थिंक तो ऐसा सोचते हो तुम इंट्रूडर ने कहा जयराट कहता है यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू शूट सुनर तुम मुझे जाने दोगे इंट्रूडर और भगवान का धन्यवाद करोगे तुमने मुझे पहले गोली नहीं मारी इंट्रूडर कम ऑन व्हाट्स योर माइंड बेटर बी क्विक दिस कॉन्वर्सेशन बोर्ड मी अरे क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में जल्दी बताओ ये जो बातचीत है ना मुझे बोर कर रही है अब जेरार्ड कहता है योर आइडिया इज टू अलूट द पुलिस बाय किलिंग मी तुम्हारा आइडिया यह है ना तुम पुलिस से अलूट हो जाओगे बच निकलोगे एस्केप कर लोगे मुझे मारने के बाद टेकिंग ऑन माय आइडेंटिटी मेरी जगह ले लोगे मेरी पहचान ले लोगे और पुलिस से बच जाओगे यही आइडिया ना तुम्हारा इंट्रोर कहता है येस आई लाइक द आइडिया हाँ यही प्लान है मेरा और मुझे ये पसंद है जेरार बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू लेकिन क्या तुम श्योर हो तो तुम्हारा ये आइडिया तुम्हारी मदद करेगा इंट्रो कहता है नाउ लिसन हियर मेरी बात सुनो आई गॉट दिस ऑल प्लान मैंने सब कुछ अच्छे से प्लान कर रखा है आई डिड अ जॉब इन टाउन मैं नगर में नौकरी करता था थिंग्स वेंट रॉन्ग चीज़ें मेरे साथ गलत हुई एंड आई किल्ड कॉप और मेरे हाथों एक पुलिस वाले का खून हो गया सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज उसके बाद मैं कुछ नहीं कर रहा लोगों को चकमा देते हुए डॉज मीन्स चकमा देते हुए एस्केप कर रहा हूँ भाग रहा हूँ जेराड कहता है एंड दिस इज वेयर डॉजिंग हैज ब्रॉट यू और यहाँ पर तुम्हें ले आई तुम्हारी डॉजिंग तुम्हारी एस्केपिंग तुम्हारा चकमा देना इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी एल्सबरी बच्चों जगह का नाम है दैट्स वेयर आई सो यू इन द कार और एल्सबरी में मैंने तुम्हें देखा तुम्हारी कार में तुम बैठे हुए थे टू अदर पीपल सो यू दो और लोगों ने तुम्हें देखा एंड स्टार्ट इट टॉक तुमसे बात करने लगे आई लिसन मैंने तुम लोगों की बातें सुनी इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वीर मुझे पता चल गया तुम बड़े क्वीर हो स्ट्रेंज हो अजीब हो काइंड ऑफ अस्ट्री तुम एक रहस्य हो अनएक्सप्लेन हो एक अनएक्सप्लेन मिस्टीरियस मैन हो जैरान कहता है अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन और यही मिस्ट्री मैं तुम्हें बताने वाला हूँ मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें मैं इतना रहस्यमय क्यों हूँ अनएक्सप्लेन क्यों हूँ स्ट्रेंज क्यों हूँ अब इंट्रोडर डिस रिगार्डिंग हिम उसकी बात ना सुनते हुए इंट्रोडर कहता है यो फोन योर ऑर्डर एंड समाइम्स यू गो अवे सडनली तुम अपने ऑर्डर फ़ोन पर करते हो अचानक तुम चले जाते हो अन कम बैक जस्ट द सेम अचानक ही आ जाते हो दोज आर जस्ट द थिंग्स आई वॉन्ट टू डू मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ यही करना चाहता हूँ हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लक्स्ट ब्रेक्स तुम्हारे बारे में सुनना तुम्हारे बारे में जानना मेरे लिए भाग्यशाली पॉइंट था लाइफ का जरा कहता है इंटेलिजेंस टू आस्क आई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लोक ऑफ मिस्ट्री तुम इंटेलिजेंट भी नहीं हो वरना तुमसे मुझे तुम मुझसे पूछना चाहिए कि क्यों मैंने ये मिस्टीरियस रहस्य से भरा हुआ जामा पहन रखा है क्यों मैंने इस इन वे मिस्टीरियस वेज को अडोप्ट कर रखा है एंट्रोडर कहता है बच्चों प्रिपेयरिंग टू शूट अब वो शूट करने वाला है उसको एज आई सेट बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन बोर मी जैसे मैं पहले कह चुका हूँ मुझे बातचीत बोर कर रही है मैं बोर हो रहा हूँ डोंट बी अ फूल जेराड कहता है मूर्ख मत बनो इफ यू शूट यू विल हैंग फॉर शोर तुम फांसी पर लटका दिया जाओगे अगर तुम मुझे मारोगे तो इफ़ not, एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स अगर खुद तुम्हारी तरह नहीं तो विंसेंट चार्ल्स गेराड के रूप में तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा कहता है व्हाट इज दिस ये क्या है जेरार्ड कहता है दिस इज योर बिग सरप्राइज अब मैं तुम्हें दे रहा हूं बिग सरप्राइज आई सेट यू वुडेंट किल मी एंड आई वॉज राइट तुम मुझे नहीं मार सकते मैंने कहा था ना और मैं ठीक था वाई डू यू थिंक आई एम हियर टूडे एंड गोन नेवर सी ट्रेड्स पीपल तुम्हें क्या लगता है मैं अचानक यहां पर हूं कल नहीं हूँ चला जाता हूँ आ जाता हूँ और मैं कभी बिजनेस पीपल को नहीं देखता you say my habits would suit you. तुमने कहा ना मेरी आदतें तुम्हें सूट करती हैं। यू आर अ क्रूक तुम एक रूज हो धूर्त आदमी हो क्रूक हो डू यू थिंक आई एम संडे स्कूल टीचर तुम्हें क्या लगता है मैं संडे स्कूल में टीचर हूँ द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न खेल खत्म हो चुका है जहाँ तक मेरी बात है थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी मेरे साथ भी चीज़ें गलत हुई आई सेड इट विद बुलेट्स मैंने भी गोलियां चलाई एंड गॉट अवे और भाग गया अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया एंड फाउंड थिंग्स द फुल शुड हैव ब्रंट और उन्हें वो चीज़ें मिल गई जो उस मुर्ख को जला देनी चाहिए थी टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल आज रात मैं मुसीबत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ ना कुछ होने वाला है यहाँ पर माई बैग इज पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ और देखो मेरा बैग भी पैक है मुझे यहां से निकलना है देर इज इट ये रहा मेरा बैग इंट्रो कहता है बच्चों इट्स अ बैग ऑल राइट एंड दिस इज अ गन ऑल राइट वॉट्स ऑल दिस ये बैग है ठीक है और मेरे हाथ में गन है ये सब हो क्या रहा है जेराड कहता है दैट्स अ असगाइज आउटफिट अब वो दिखाता है बच्चों बैग के अंदर वो कहता है देखो ये डिसगाइज डिस्गाइज क्या होता है बच्चों भेज बदलने का हाइडिंग इन फॉल्स आइडेंटिटी ये आउटफिट है कपड़े हैं फॉल्स मुस्टैक्स हैं नकली मूछे हैं एंड वॉट नॉट सब कुछ है नाउ डू यू बिलीव मी अब क्या तुम्हें तो मुझ पर विश्वास है इंट्रूडर म्यूजिंगली सोचते हुए थॉटफुली कहता है आई डोंट नो मुझे नहीं पता जेराड कहता है फॉर गोड से क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स भगवान के लिए अपने इस मडल्ड कन्फ्यूज हेड को ठीक करो एंड लेट्स को चलो चलते हैं कम विद मी इन द कार चलो मेरे साथ कार के अंदर आई कैन यूज यू मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ इफ़ यू फाइंड इट्स अ फ्रेम यू हैव गॉट मी इन द कार और तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं कार के अंदर ही हूँ तुम्हारे पास एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन और तुम्हारे हाथ में गन है मुझे मार देना लेकिन अब मैं ठीक कह रहा हूँ हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा बच्चों फिर इंट्रोडर कहता है देन डोंट वेस्ट टाइम चलो फिर uh, कहता है इंट्रोडर कहता है मे बी यू आर राइट शायद तुम ठीक हो जेराड कहता है देन डोंट वेस्ट टाइम फिर टाइम वेस्ट मत करो गोज एंड पिक्स अप हैट एंड बैग अब वो जाता है जेराड बच्चों अपनी हैट और अपना बैग उठा लेता है इंट्रोडर केयरफुल बॉस आई एम वॉचिंग यू इंट्रोडर कहता है ध्यान से मैं तुम्हें तो देख रहा हूँ कुछ गड़बड़ मत करना जेराड कहता है आई एव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड मैंने एक आदमी को खड़ा कर रखा है उस मेन रोड के ऊपर इफ़ ही विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस वो फोन कर देगा अगर उसे पुलिस मेन रोड पर दिखाई दी तो बट आई डोंट वॉन्ट टू लीव टेलीफोन बेल्स रिंग लेकिन मैं जाना नहीं चाहता लेकिन तभी बच्चों टेलीफोन की घंटी बजती है कम ऑन देअर आदर आफ्टर अस थ्रू हीस स्ट्रेट टू द गैराज अरे वो हमारे पीछे है चलो जल्दी चलो ये रहा गैराज का रास्ता इंट्रोड हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ मुझे कैसे पता चलेगा तुम सच बोल रहे हो जेराड ओ डोंट बी अ फूल लुक फॉर योर सेल्फ अरे मूर्ख मत बनो देखो अपने आप को देखो अब बच्चों फिर से ब्रैकेट की लाइन शुरू हो रही है ध्यान से सुने जेराड ओपन स्टोर एंड स्टेप्स अवे जेराड गेट को खोलता है और पीछे की ओर हो जाता है इंट्रोडर लींस फॉरवर्ड टू इंस्पेक्टेड इंट्रूडर झांक कर देखता है आखिर वो जांच करता है आखिर वो कहाँ पर है विदि साइड टूवर्ड्स जेराड वो साइड में है जेराड के बट विद द रिवॉल्वर रेडी उसके हाथ में बच्चों रिवॉल्वर अभी भी है गिव हिम अ पुश द कबर्ड और जैसे ही वो अपना हेड को टर्न करता है जेरार्ड से धक्का दे देता है और जो वो गेट खोलता है ना बच्चों वो किसी गैराज का नहीं है कबर्ड का है अलमीरा का है एक अलमारी का दरवाजा था नोकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड और बच्चों उसके हाथ से छीन लेता है रिवॉल्वर जेराड ही स्लैम्स डोर एंड लॉक इट और फिर वो शट करता है डोर को दरवाजा बंद कर देता है अलमारी का और उसे लॉक कर देता है पिक्स अप द रिवॉल्वर रिवॉल्वर को उठा लेता है एंड टू द फोन फोन के पास जाता है जो बजरा होता है ही स्टैंड विद गन पॉइंटेड एट द कबर डोर उसने अपनी गन को पॉइंट कर रखा है निशाना साध रखा है कबर्ड का अलमारी का इंट्रूडर रेटल्स डोर एंड शाउट्स इंट्रूडर बेचारा थपथपा रहा है अलमारी का दरवाजा चिल्लाता है लेट मी आउट ऑफ हियर मुझे निकालो यहां से मुझे निकालो यहां से जेरा फोन उठाकर कहता है हेलो यस स्पीकिंग हाँ बोल रहा हूँ सॉरी आई कांत लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम फॉर रिहर्सल सॉरी मैं आपके लिए जो आपको चीज़ें चाहिए थी नाटक की रिहर्सल के लिए जो प्रॉप्स वो नकली मुछे वगैरह बच्चों चाहिए थी वो मैं लेके नहीं आ पाया आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ बॉर्डर मुझे काफ़ी दिक्कत हुई यहाँ पर क्वाइट अम्यूजिंग बड़ी अजीब बातें हुई मेरे साथ हिलेरियस बातें हुई आई थिंक आई विल पुट अप इन माई नेक्स्ट प्ले मुझे लगता है मुझे इस प्लॉट का इस कहानी का मेरे अगले नाटक में इस्तेमाल करना चाहिए लिसन कैन यू टेल आर फ्रेंड द सार्जेंट टू कम अपर एट वंस क्या तुम हमारे दोस्त सार्जेंट को फ़ोन करके या मिलकर बता दो क्योंकि वो मेरे पास आए तुरंत मेरे घर पर यू विल प्रोबेबली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार तुम्हें वो पब्लिक बार के अंदर शायद मिल जाए तो सार्जेंट को मेरे घर भेज दो एंड दिस यूमरस हिलेरियस फुल ऑफ सस्पेंस फुल ऑफ मिस्ट्री प्ले वॉज रिटन बाय ड जेम्स तो बच्चों कैसा लगा आपको अम्यूजिंग था ना बहुत ही इंटरेस्टिंग प्ले था इफ़ आई वर यू अगर मैं तुम्हारी जगह होता या अगर मैं तुम होता थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन वॉज मेड बाय पूजा शर्मा लेक्चरर इन इंग्लिश गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला ब्लॉक बहादुरगढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट झज्जर सी यू इन नेक्स्ट वीडियो चिल्ड्रेन टेक केयर